वेलकम टू ऑल, और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी सभी लोगों के लिए एक न्यू ईयर की रीडिंग ले रही हूँ, जैसा कि मैं सभी लोगों के लिए न्यू ईयर की जो है वो रीडिंग ले रही हूँ। सो यहाँ पर आज हम फायर साइन की जो जोडिएक साइंस होते हैं उनकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। सो फायर साइन होते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो मैंने यहाँ पर आज अभी एरीज की एनर्जीज निकाली हैं कि आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होने वाला है, अबाउट मैरिज, अबाउट करियर, अबाउट हेल्थ आउटकम एंड रेमेडीज। सो यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं ये, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और इनके अंदर एक किंग वाली एनर्जीज होती हैं। सो ये अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इन पर, इनके अंदर ये एनर्जीज़ होती हैं कि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली के लिए। मेरे ये काफ़ी लॉयल टाइप के भी होते हैं और ये थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं, कंट्रोलिंग भी होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं, इस तरह की एनर्जीज होती है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज़्यादा। सो अगर हम मैरिज के लिए देखते हैं एरीज का, सो यहाँ पर इनको कुछ फियर्स होते हैं अबाउट मैरिज, क्योंकि ये थोड़े इमोशनल होते हैं लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं जल्दी, तो इनके अंदर कुछ फियर होते हैं और ये जो है इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेहनत बहुत की है लेकिन फिर भी ये कुछ डरे हुए हैं कुछ रिश्तों में। सो लेकिन यहाँ पर इनके अंदर जो है काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी दिखाई दे रही है इस साल में 2020 में। सो आने वाले ईयर में 2021 में इनको ज़रूर से कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है, ये शादी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शादी हो सकती है, कोई इनको प्रपोज़ कर सकता है या ये किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग वाला जो इनका इशू है इसको थोड़ा सा साइड में करना होगा और एक लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह आगे बढ़ना होगा। और अगर हम सिंगल्स की बात करें तो डेफिनेटली सिंगल के लिए भी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो समय का पहिया बदल रहा है। यदि किसी की मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो लव हो या अरेंज हो, सो अब नेक्स्ट ईयर में मैरिज हो सकती है एरीज वालों की। अब हम इनके करियर के लिए देखते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली करियर में यहाँ पर वेकअप कॉल आ गई है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं अपने करियर को और यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो ये हीलिंग का कार्ड भी होता है थोड़ा, सो डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली करियर में आप अच्छा कर पाएंगे और आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है करियर में भी। यदि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आता है, कोई पास्ट का फ्रेंड आता है आपकी लाइफ में एक सोलमेट की तरह, सो वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा आपके करियर के लिए। या डेफिनेटली आपके लिए मनी अबंडेंस आ रहा है और आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे अपने करियर के लिए 2021 में एरीज। सो आइए हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ के बारे में यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती हैं वो काफ़ी डिसीजन मेकर टाइप की एनर्जी होती है और आप खुद भी जो है एरीज जो होते हो वो काफ़ी एम्परर की एनर्जी में होते हो, तो आपको थोड़ा सेल्फ लव में जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ईगो इशू होता है इनके अंदर, सो वो ईगो इशू नहीं रखना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने सेल्फ लव में रहना है और या अपनी पावर में रहना है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। अगर हम आउटकम की बात करें आपके लिए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पैशनेट एनर्जीज में रहेंगे किंग की तरह, करियर में भी अच्छा होगा, मैरिज के लिए भी अच्छा है और डेफिनेटली अगर कोई स्टक चीज़ें थी तो वो मूव करेंगी, वो मूवमेंट होगी उनके अंदर और आपकी लाइफ जो है एक आगे अच्छा मूव लेगी और आगे अच्छी जो है प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में। रेमेडीज देखते हैं। रेमेडीज में ये है कि आपको करेज बना के रखना है अपने अंदर, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ लेना है। टोटैलिटी है, यानी कि आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है कि यदि आप कहीं ऊंचे से नीचे गिरते हैं, यानी कि कोई आपका काम नहीं बनता है, तो डिवाइन आपको संभाल लेंगे।
आपको करेज भी बना के रखना है, मेच्योरिटी रखनी है और डिवाइन के ऊपर अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको कि आपके सभी कार्य बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये थी एरीज की एनर्जी, आई होप यू लाइक इट। और मैं जल्दी से आप लोगों को एक एंजल का नंबर दे रही हूँ, आप उसको गूगल कर लीजिएगा कि एंजल्स आपको क्या कहने वाली हैं नए साल में। टू थ्री टू, 232 से एरीज जो है जोडियक साइन आप लोग सर्च कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अभी डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आप अपने न्यू ईयर की प्रेडिक्शन जान सकते हैं और आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आता रहता है, या फिर मुझे FB के दीपिका मेडिटेशन पावर मैसेंजर में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंस्टा पे भी कर सकते हैं दीपिका मेडिटेशन पावर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, जैसे हम न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, सो अभी मैं यहाँ पर लियो की ले रही हूँ। फायर साइन में लियो की एनर्जीज हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पर बात करेंगे मैरिज की, करियर की, हेल्थ की, आउटकम एंड रेमेडीज। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मैरिज के लिए। देखिए यहाँ पर मुझे मैरिज के लिए जो दिख रहा है, आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू जो है उसको छोड़ना होगा, डोमिनेटिंग इशू जो है उसको आपको छोड़ना होगा। आप काफ़ी पैशनेट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर मैरिज करनी है तो अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। आपने काफ़ी नेगेटिविटी बनाई हुई है कि पता नहीं मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो इस नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। और ये आँखों की पट्टी को खोल के, ब्लाइंड फोल्डर होके आपको देखना होगा। अपनी आँखों को पट्टी पट्टी को खोल दीजिए और देखिए कि कैसी दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है। और आपके लिए जो समय का पहिया बदलने वाला है, डेस्टिनी चेंज होने वाली है, जो मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए क्वीन आ रही हैं। और ये काफ़ी डिसीजन मेकर भी हो सकती हैं, प्लीज़ वाइस वर्सा देख लीजिए गाइज एंड गर्ल्स। सो ये डिसीजन मेकर भी हो सकती हैं और अबंडेंट भी होंगी और काफ़ी मैच्योर पर्सन भी होंगी। सो हम सिंगल्स के लिए देखते हैं कि सिंगल्स की लाइफ में क्या होने वाला है मैरिज के मामले में। डेफिनेटली मैरिज हो सकती है, थोड़ा सा नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। सिंगल्स सिंगल्स जो आप लोग जो हैं इस तरह की एनर्जी में, एंग्री एनर्जी में हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीज़न नहीं हो पा रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, कोई ऑलरेडी है तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कूल एंड काम एनर्जीज में आ जाइए। उसके बाद डिवाइन आपके लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके लिए रखा हुआ है। सो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, लेकिन आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेना होगा। तो सिंगल्स की मैरिज हो सकती है और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी लाइफ अच्छी चलेगी। और यहाँ पर गाइडेंस भी ली जा सकती है किसी पर्सन से अबाउट मैरिज, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है अपना केस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर में यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ब्रोकन हार्ट हैं, करियर पिछले साल अच्छा नहीं चला है। सो डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। द सन का कार्ड है यहाँ पर, आप काफ़ी देर से अपनी शिपमेंट का वेट कर रहे हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा टाइम से अपनी जॉब के लिए, करियर में उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लास्ट ईयर में अभी यानी 2020 में ये साल कुछ थमा सा था। बहुत सारे लोग जो थे उनके पास जॉब नहीं थी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कुछ लोगों को जो है सैलरी भी कम मिल रही थी। सो बहुत सारे लोग जो है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी अच्छा समय आने वाला है न्यू ईयर में और डिवाइन की तरफ से क्लियरिटी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, जॉब में, बिजनेस में। सो लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। अभी हेल्थ के मामले में मुझे आप काफ़ी हैंग्ड मैन से टाइप के लग रहे हैं और आपको ज़रूरत है आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, किस तरह की आपको नौकरी चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना है। सो सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसे ये पर्सन जो है ये ऐसे उल्टा लटक के सोच रहा है, उसी तरीके से आपको भी
आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि किस तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, कैसा पार्टनर, कैसा करियर, कैसी जॉब, सो सभी आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप हैंग्ड मैन की स्थिति में हैं और आपको न्यू ईयर में इस स्थिति में नहीं रहना है, हैंग्ड मैन की स्थिति से बाहर आना है। सो रेमेडी देखते हैं, अगर आप जितना हैंग्ड मैन की स्थिति से बाहर रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट योर रेमेडीज। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरी की लाइफ से, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा मनी वाइज अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिच है, सो आपको कंपेयर नहीं करना है, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। और यदि आप किसी को एनर्जी देते हैं तो उनको अच्छी एनर्जी दीजिए, ख़ास कर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, क्योंकि ये मिररिंग होती है। सो आप अगर अपने पर्सन को कोई एनर्जी सेंड कर रहे हैं सो उनको अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कीजिए। आपको छोटी छोटी बातों का जो मैंने बताई हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपकी कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर बन जाएगी। जैसे कि एक सिर्फ ये लगाना है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप थोड़ी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी और से। सो आपके लिए आने वाला साल जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें सही हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपको करने की ज़रूरत है, जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एंजल नंबर फॉर यू। 5666, यानी कि 566 नंबर जो है एंजल नंबर, आप गूगल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज को चेक करते हैं, प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। सो अभी मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And stay happy and stay blessed.